हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो बाकी नया साल आ चुका है, 2026 आ चुका है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर का गिफ्ट मेरे तरफ से ये है कि जल्द ही मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे यूट्यूब के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके हमारे परिवार में एक गाड़ी आने वाला है बहुत जल्दी। तो बाकी इससे पहले, गाड़ी आने से पहले गाड़ी के बारे में जानना जरूरी होता है, इसीलिए हम ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बारे में। हम मोटर के, मतलब मोटरसाइकिल के, कार के बहुत करीब से देखेंगे उसका क्या रहता है, उसका इंजन का पावर कितना रहता है, उसका टॉर्क कितना रहता है, उसका मैक्स पावर कितना रहता है, उसका मैक्स स्पीड कितना रहता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना रहता है। बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ डीपली उसको जानते हैं हमारे पास जो आ रहा है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे KTM ड्यूक 390 से। तो ड्यूक 390 एक स्पेशल स्पोर्ट्स बाइक है जो 2026 का मॉडल है, उसका लॉन्च हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 2026 ड्यूक 390 का कुछ जानने वाला चीज तो है ही आपके पास, तो ना जानने वाला चीज भी बहुत कुछ लाया हूं आपके लिए। तो आप लोग दयापूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये हाथ से गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आशुतोष दास आपको स्वागत करता हूँ आशुतोष दास ब्लॉग्स चैनल में। तो आज के नए सीरीज पे आज स्टार्ट करें, नया सीरीज, तो नया सीरीज पे आप वेलकम। तो बाकी ऐसे ही बने रहना ऐसे ही। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बाइक के बारे में जो बाइक को हर किसी ना किसी बाइक से कंपेयर किया जाता है। एक बाइक है, मतलब ए बाइक के साथ बहुत सारे बाइक को कंपेयर किया जाता है, ड्रैग रेस में, उसका पावर में, उसका सीसी इंजन में, उसका बहुत कुछ चीजों में कंपेयर किया जाता है, नीच दिखाया जाता है। बाइक तुम क्या हो भाई, तुम पहले बताओ तुम क्या हो। पहले 350-400 सीसी के इंजन के साथ कंपेयर करते, 650 इंजन के साथ, 900 इंजन के साथ, भाई क्या कर रहे हो तुम। हम बात करने जा रहे हैं KTM ड्यूक 390 का BS6 फेस 2 के बारे में, 2024 मॉडल। ये जो बाइक है KTM का, वन ऑफ, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ बेस्टेस्ट, बेटर नहीं, बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से। KTM ड्यूक 390 398.63 सीसी इंजन के कैपेसिटी के साथ आता है, और जो 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क, NM का टॉर्क पैदा करता है, 45.3 BHP के साथ जो मैक्स पावर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, भाई उसका तो लाजवाब है। मतलब इतना पावर है इस गाड़ी के अंदर भाई, और कुछ बोला ही नहीं जा रहा। ये जो 168.3 kg का गाड़ी, मतलब छोटा हाथी, बेबी एलिफेंट, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन के साथ आता है, गियर सिस्टम के साथ, और 167 speed मतलब पकड़ता है भाई, और क्या ही लगता है अगर रोड में फुल टॉप स्पीड में जा रहा हो तो भाई क्या ही। इस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक 15 लीटर का है, जो कि 28.40 kmpl प्रोड्यूस करता है। एक लीटर पे हम 28.4 किलोमीटर जा सकते हैं, इसका कंपनी का दावा है, और 15 लीटर फ्यूल टैंक कर सकते हैं, और रिजर्व फ्यूल टैंक रहता है 3 लीटर जो कि पेट्रोल का रहता है, क्योंकि गाड़ी हमेशा पेट्रोल का ही होता है। ये गाड़ी अगर फुल टैंक हो जाता है तो 426 किलोमीटर आराम से पार कर सकता है बिना झिझक के। इसका सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो सीट हाइट रहता है 800 mm, एंड ग्राउंड क्लियरेंस रहता है 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसका, इस बाइक का रहता है। और बाकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेट मोड, रेन पे रेन मोड, ट्रैक मोड, बहुत सारे मोड, मतलब ये 3 ही मोड आते हैं ज़्यादातर। और ट्रांसमिशन टाइप रहता है चेन ड्राइव रहता है, और बाकी गियर सिस्टम आपको तो पता ही होगा, इस KTM का हर गाड़ी का गियर सिस्टम रहता है 1 डाउन और 5 ऊपर तक। अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो, हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते पर नीचे जाएंगे तो उसका टायर की तरफ जाएंगे तो हम देखने पाएंगे कि रेडियल टायर के साथ ट्यूबलेस, मतलब रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कंपनी आपको देगा, आप चेंज करा सकते हैं, आपके मर्जी हो सकता है। बाय द वे सिलेंडर आपको एक ही मिलने वाला है, बाय द वे दो भी आप लगा सकते हो।
टायर प्रेशर की बात करेंगे तो फ्रंट टायर के प्रेशर रहता है 29 PSI एंड पीछे वाला का रियर टायर का प्रेशर रहता है 32 PSI का। उससे जुड़ा हुआ चीज के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ब्रेक सिस्टम, जो कि ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करूं तो आपको मिलते हैं डुअल चैनल ABS के साथ इसका ब्रेकिंग सिस्टम एंड फ्रंट रियर ब्रेक सिस्टम डिस्क के होने वाले हैं। तो फ्रंट का रहने वाले 320 mm उसका ब्रेक का जो साइज होने वाला है और पीछे वाले का साइज होने वाला है 240 mm का। अगर हम वारंटी के बारे में बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरर वारंटी रहता है 2 साल। अगर हम सर्विस के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट सर्विस रहता है 1000 किलोमीटर या फिर 45 डेज में। अगर 1000 किलोमीटर आप करवा देंगे तो अच्छा है, या फिर अगर 1000 किलोमीटर नहीं हो रहा है आपका 45 डेज हो गया है तो 45 डेज में आप करा सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर सेकेंड सर्विस की बात कराऊँ तो 8500 किलोमीटर पर आप सर्विस करा सकते हैं या फिर 150 डेज में आप करा दीजिएगा। और थर्ड सर्विस के बारे में हम बात करेंगे तो 16000 किलोमीटर आप थर्ड सर्विस लेना होगा या फिर 240 डेज में। जो जल्दी दोनों बोल रहा हूँ, जो जल्दी होगा किलोमीटर वाइज जल्दी होगा तो करा ही दीजिएगा, या फिर डे वाइज जल्दी होगा तो आपका अगर 240 डेज में अगर नहीं जा पा रहा है 16000 किलोमीटर तो 240 डेज में आपको कराना ही चाहिए। आपको गाड़ी का अगर रखना है सही सलामत अच्छी तरह से रखना है तो जैसे आपका हेल्थ का केयर लेते हैं उसी तरह गाड़ी का भी केयर लेना जरूरी होता है। कंपनी के अंदर सर्विस मिलेगा अच्छा, पर गाड़ी में एक धोने वाला कच्चा रखने के लिए भी एक प्लेस नहीं है ना आपको मिलेगा आगे में कोई जगह कुछ थोड़ा सा चीज रखने के लिए, या फिर पीछे सीट में अंडर सीट में भी जगह नहीं मिलेगा। तो बाकी बोल दूं कि उसका जो सीट होता है दो लोगों की सीट आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और 2 सीट स्टेपर्ड होते हैं, मतलब सीढ़ियों के तरह स्टेपर्ड होते हैं। इस गाड़ी के अंदर जियो फेंसिंग और डिस्टेंस टू एमपिट इंडिकेटर नहीं मिलेगा आपको। गाड़ी के अंदर हर चीज डिजिटल है। अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करना चाहो, टेकोमीटर की बात करना चाहो, या फिर उसका बोलते हैं ट्रिप मीटर के बारे में बात करना चाहो, या फिर स्पीडोमीटर ओडोमीटर के बारे में बात करना चाहो, तो हर कुछ चीज डिजिटल ही होता है, कुछ मैनुअल नहीं मिलेगा। सब कुछ मतलब पुराने ख्याल में नहीं जीने का है, 2026 आ चुका है, हम AI में डिजिटल हो चुके हैं तो इसमें डिजिटल क्यों नहीं होना है। तो हमेशा हर चीज इसका डिजिटल वर्सन ही आपको मिलेगा। इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा 12 वोल्ट का बैटरी और इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला मिलेगा, मतलब आपका गाड़ी इलेक्ट्रिक में स्टार्ट होगा, नो किक स्टार्ट आपको कंपनी बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर लगाना है तो भी नहीं लगा सकते। अगर हम लाइट के बारे में बात करें, LEDs के बारे में बात करें तो हमारा हेडलाइट, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, जितने भी लाइट है हमारे पास लाइट हो और टर्निंग लाइट हो, जो भी लाइट हो, हर चीज LED का होने वाला है, कोई भी हैलोजन या फिर LCD का नहीं होने वाला है। LCD तो नहीं होता है पहली बात, दूसरी बात है सब कुछ LED का होने वाला है। इस गाड़ी के अंदर KTM वालों ने इतना फीचर्स दिया है कि मेरा याद भी नहीं रह रहे, मतलब देख के बोलना पड़ेगा आप सभी को। इस गाड़ी के अंदर आपको पास लाइट मिलेगा, GPS नेविगेशन मिलेगा, USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, राइडिंग मोड स्विच वाला बटन भी मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, किल स्विच मिलेगा। सबसे मतलब आप जो राइडर होते हैं उनको चाहिए किल स्विच, उनको किल स्विच मिल रहा है। बाय द वे ये तो स्पोर्ट्स ही बाइक है, तो बाकी DRLS मिलेगा, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलेगा, आपके जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में है आगे में जो लाइट के ऊपर जो होता है तो वहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। उसके बाद आपको छोटा सा पिद्धू सा क्लॉक मिलेगा, उसके बाद सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर मिलेगा, लो बैटरी का इंडिकेटर मिलेगा, लो फ्यूल मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिलेगा, कौन से गियर पे आप गाड़ी जा रहा है, 1 में 2 में 3 में जितनी भी गाड़ी जा रहा हो उस उतना का वहाँ पे लिख दिया जाएगा। स्टैंड अलार्म मिलेगा, कॉल SMS का अलर्ट मिलेगा, आपका मोबाइल में अगर कॉल आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कौन SMS भेज रहा है, क्या मैसेज भेज रहा है, आपको मोबाइल रोक के या फिर मोबाइल चेक करने का क्या जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। डिजिटल फ्यूल का भी कितना मीटर है, कितना फ्यूल है हमारे टंकी में, तो उसका भी मिलेगा। एक बात यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आपको OTA अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाय द OTA अवेलेबल मेरे को पता नहीं क्या है, बट अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और 2 चीज़ें, आपको स्पीड इंडिकेटर मिलेगा एंड हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं क्यों इस बाइक को आप खरीदना, मतलब
गुड थिंग्स क्या है, उसको आपको बेटर क्या है, बैड थिंग्स क्या है, क्यों आपको खरीदना है, क्यों आपको अवॉइड करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इसको गुड थिंग्स इसमें है कि 396 इंजन के साथ ये बेटर परफॉर्मेंस देता है आपको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ये लुक्स वाइज बहुत अच्छा, दिखने में बहुत अच्छा है, और बाकी फीचर्स तो ठूस ठूस के भरा है, टॉप क्लास A1 फीचर्स इसमें है। इसका बैड थिंग्स है या फिर अवॉइड करने का थिंग्स बताता हूँ, क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब अवॉइड कर सकते हैं। रीजन बताता हूँ ये है कि इसका स्पेयर पार्ट आप अगर खुले में मार्केट में जाओगे और खरीदने जाओगे तो बहुत मतलब जेब ढीली होने वाला है भाई, बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है आपको ये इसका स्पेयर पार्ट। एंड इसका प्राइस, इसका परफॉर्मेंस, इसका फीचर्स बहुत अच्छा है, पर इसके हिसाब से प्राइस इसका उससे बहुत ज्यादा है, बहुत उसके लिए भी अच्छा है, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात मतलब ये थोड़ा कम होता प्राइस तो अच्छा रहता। दूसरी बात लॉन्ग टूर के लिए, ज्यादा दूर के लिए, मैं बोला तो फुल टैंक फुल होगा तो 425 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाएगा, पर इतना दूर अगर जाएगा तो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, आपको थोड़ा अगर फिट ज्यादा है तो चलेगा, पर ज्यादा थोड़ा गोलू गोलू टाइप से है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ज्यादा गोलू गोलू है तो बाकी ज्यादा डिटेल्स में जानने के लिए टेलीग्राम लिंक में हमारा PDF है, इसका ATM 390 का PDF है, जाओ और टेलीग्राम लिंक में चैनल में देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगा है आपको रिसर्च करना है, प्लीज एक शेयर करना, प्लीज KTM फैन को जरूर शेयर करना, आपको मेरा कसम प्लीज शेयर करना भाई, हाँ जोड़ रहा हूँ, शेयर कर लो यार।